खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां भ्रष्टाचार किस तरह से हावी है आए दिन देखने को मिलता है। अब भ्रष्टाचार की जड़ें शिक्षा विभाग तक पहुंच चुकी हैं। एक तरफ जहां छात्रों से अवैध वसूली जा रही है, वहां अतिथि शिक्षकों का वेतन तक नसीब नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के आदेश की भी घूसखोर बाबू अवहेलना कर रहे हैं। आपको बता दें कि दीपावली में मुख्यमंत्री का आदेश जारी हुआ था कि सभी कर्मचारी, यहां तक कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दीपावली से पहले वेतन का भुगतान करना होगा। लेकिन रीवा जिले की नई गढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के बड़े बाबू विश्वनाथ वर्मा की तानाशाही और घूसखोरी के चलते अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि बाबू वेतन फीट नहीं कर रहा। हालांकि शिक्षकों ने बताया कि 2000 उन्हें रिश्वत के रूप में भी दे चुके हैं। इसके बावजूद उनकी मांग बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विद्यालय के प्राचार्य उक्त मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या बाबू से लेकर प्राचार्य तक की हिस्सेदारी अतिथि शिक्षकों के वेतन में है, जो मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं? आइए सुनते हैं वेतन न मिलने से परेशान अतिथि शिक्षकों ने क्या जानकारी दी है। मेरा नाम तरुणेंद्र कुमार द्विवेदी, गणित वर्ग 2 में अतिथि शिक्षक में मैं दुबहा में काम करता हूं। कब से पढ़ा रहे हैं? ये 21 जुलाई से हम लोगों की जो है तो इस वर्ष कार्यवाही की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों का एक महीने का वेतन नहीं दिया गया जी। तो प्राचार्य से क्या मुलाकात हुई? आप बात से मुलाकात हुई, बड़े बाबू से मुलाकात जाएंगे करेंगे। सब लोग बोलते हैं कि होगा, लेकिन पता नहीं क्यों जो है तो असमंजस में फंसा के रखे हैं। लगता है ऐसा हमको अनुभव होता है कि कुछ पैसे की इच्छा जाहिर करते हैं और कर भी चुके हैं, और तकरीबन 2000 तक हम लोग दे भी चुके हैं जी। और शेष कुछ राशियां किसको दिए हैं? बड़े बाबू को दिए हैं कुछ राशि। शायद कौन है बड़े बाबू? विश्वनाथ वर्मा जी जी। अभी तक कुछ राशि शायद अभी बाकी उनके दिमाग में चल रही है, उसी की बदौलत हम लोगों को जो है तो अभी तक रोके, बिल्कुल रोके रखे हुए हैं, परेशान करके रखे हुए हैं जी। की माननीय शिवराज सिंह का लेटर भी और आदेश भी आया था कि दीपावली के पहले भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन आज दिनांक दीपावली साल में आई किसी भी अतिथि शिक्षक का भुगतान नहीं। लगता है कि इस वर्ष जो है दीपावली नहीं मनाई जाएगी, अगले वर्ष मनाई जाएगी ऐसा लगता है हमको। हो रही है कि पेमेंट हम लोगों का पेमेंट 21 जुलाई से ड्यूटी कर रहे हैं निरंतर जी, वो आज तक का नहीं मिला, एक भी महीने का नहीं मिला, एक भी महीने का भुगतान नहीं हुआ। क्या बोला जाता है? बोल रहे हैं कि फीडिंग नहीं हो पा रही आप लोगों की। बड़े बाबू क्या बोलते हैं? बड़े बाबू बोलते हैं कि दान दक्षिणा कुछ करना पड़ेगा, तभी तो होगा, और वो दान दक्षिणा हम लोगों के पास बची नहीं है। कितना मांगते हैं? 5000 की मांग चल रही है, 3 के करीब हम लोग दे भी चुके हैं। 3000 दे दिए, 2000 के चलते बात रज रही है, 2000 का किसी का नहीं मिला अभी तक, किसी तक नहीं। क्या नाम लिखते हैं? नाम तो लिखते हैं नारायण तिवारी। कब से पढ़ा रहे हैं? 2012-13 से। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।